मेरा इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया तो बहुत सारे लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। मेरे लिए एमएलए का पद कोई मायना नहीं रखता, मेरे लिए किसान पहले हैं, एमएलए बाद में। किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा में अपना इस्तीफा भेज चुके इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली और शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच किया। इस दौरान पहले उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को संबोधित किया, इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। बता दें कि ट्रैक्टर रैली की अगुवाई करते हुए अभय सिंह चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाते हुए सबसे आगे रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने विरोधी पार्टियों पर तंज कसे और कहा कि अपने आप को चौधरी देवीलाल के वारिस बताने वाले लोग उनकी ही देन हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन के ऊपर उन्होंने कहा कि एमएलए का पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए पहले किसान मायने रखते हैं। विधानसभा में दिए गए इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा को उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। हजारों ट्रैक्टर लेकर के गया था, 20,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ थे। आपके प्रेस ने खुद ने ये बात लिखी जगह जगह कि बहुत बड़ी संख्या में किसान आए। आज भी वो लोग वहीं अपनी ट्रालियों में टेंट करके जहाँ इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं वो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी देखभाल में भी लगे। यहाँ से चल करके पहले बेवा जाऊँगा, बेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से रात को नरवाणा पहुँचूंगा, नरवाणा रात को नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे नरवाणा से चलेंगे, उचाणा जाएंगे, उचाणा से फिर जाऊँगा मैं आपके जुलाणा में और जुलाणा से चल करके बड़ौदा, बड़ौदा से गोहाणा, रात को गोहाणा में स्टे करेंगे, अगले दिन सुबह गन्नौर होते हुए आपके सिंगू बॉर्डर पे पहुंचेंगे, वहाँ करीब 12 बजे के करीब पहुंच करके अपने साथियों की ड्यूटियाँ लगाने का काम करेंगे। मेरा इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार इस बात से डरी हुई है कि अगर उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया तो बहुत सारे लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। मैं कभी भी अपनी कोई भी बात से मुकरता नहीं, मेरे बारे में चाहे कोई चैनल के लोग हैं, चाहे कोई आम लोग हैं, चाहे कोई मेरे विरोधी हैं, सबकी जबान पे एक ही बात है कि अभय सिंह ने जो बात कही उसने कभी नुकसान और नफा नहीं देखा। मेरे लिए एमएलए का पद कोई मायना नहीं रखता, मेरे लिए किसान पहले हैं, एमएलए बाद में। मैंने चौधरी देवीलाल ने जिस पार्टी का मैं आज सदस्य हूँ वो तो एमएलए बनाने की मशीन है। हमने बहुत एमएलए बनाए, बहुत एमपी बनाए, आज जो अपने आप को चौधरी देवीलाल के बारिश बता रहे ना, वो भी हमारी देन है। वो कहीं अपने आप जीत करके नहीं आए थे, हमने ही उनको रास्ता दिखाया था और अगली बारी लोग उन सब की तसल्ली भी करा दें। आज जो विधानसभा है उसमें जाओ 75-80% लोग हमारे द्वारा राजनीति में तैयार किए हैं, जो आज एमएलए बने हुए हैं और आने वाले समय में उनमें से एक भी नजर नहीं आएगा।